हाय गाइस, मेरा नाम है शुभम और आज मेरे पास है ये एप्पल का आईफोन 5S और आज हम खेलने वाले हैं आईफोन 5S पर कुछ कैजुअल गेम्स। तो ये पार्ट वन है और जल्दी आपको इसका पार्ट टू भी देखने को मिलेगा। पार्ट वन में मैं खेलने वाला हूँ सबवे सर्फर्स, एजेंट डैश, जोम्बी हाईवे 2, बीच बगी रेसिंग 2 और हिल क्लाइंब रेसिंग 2। मैं सारी गेम लगभग 4-5 मिनट खेलूँगा, तो आपको सारी गेम्स के नाम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबवे सर्फर्स से। iPhone 5S के अंदर आपको मिलता है 1.3 GHz का डुअल कोर 64-bit 28 नैनोमीटर वाली Apple की A7 चिप। ये सेम चिप आपको iPad mini 2 और iPad Air में भी देखने को मिलती है। इस iPhone 5S की RAM है 1 GB। iPhone 5S में आपको देखने को मिलता है क्वाड कोर ग्राफिक्स। सबवे सर्फर्स एक एंडलेस रनिंग टाइप गेम है। इस गेम में आपके पीछे पड़ा होता है एक इंस्पेक्टर और उसका कुत्ता। इस गेम को खेलने के लिए आपको करना होता है स्वाइप अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। सामने से आ रही होती है ट्रेन्स और उससे बचकर आपको निकलना होता है। जैसे जैसे आप भागते हैं आपका स्कोर बढ़ता रहता है। ये गेम अभी भी आईफोन 5S पर काफ़ी कलरफुल लगती है। जैसे ही आप किसी ट्रेन से क्रैश हो जाते हैं आपकी गेम ओवर हो जाती है। अगली गेम है जोम्बी हाईवे 2। आईफोन 5S में आपको मिलती है 4 इंच की डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन है 1136x640 पिक्सल्स और ये देता है 326 की PPI। इस गेम में आपको चलानी होती है अपनी गाड़ी अपने फ़ोन को टिल्ट करके। जैसे जैसे आप अपने रास्ते पर जाते हैं आपकी गाड़ी से चिपक जाते हैं कुछ जोम्बीज। आपको इन जोम्बीज को अपनी गाड़ी से उतारना होता है दूसरी गाड़ी से टकराकर या गन की मदद से। इसमें आपको काफ़ी सारी गाड़ियाँ और गन्स मिल जाती है। इसके ओवरऑल ग्राफिक्स काफ़ी रियलिस्टिक है। Thank you.
तीसरी गेम है बीच बगी रेसिंग 2। आईफोन 5S आता है 3 स्टोरेज ऑप्शंस में, 16, 32 और 64 GB। बीच बगी रेसिंग एक कार्ट रेसिंग टाइप गेम है। आपको ट्रैक्स पर मिल जाते हैं पावर अप्स और वेपन्स जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप पानी में जंप करते हैं आपके फोन की स्क्रीन पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। इस गेम को आप टच स्क्रीन या फिर अपने फोन को टिल्ट करके भी खेल सकते हैं। अगली गेम मैं खेलूंगा हिल क्लाइम रेसिंग 2। इस गेम में आपको अपनी गाड़ी चलानी होती है उबर खाबड़ रास्ते पे। आपको बस कंट्रोल करनी होती है ब्रेक और गैस के पैडल। जब आप ट्रिक्स परफॉर्म करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कॉइन्स मिलते हैं। जैसे ही आपका हेड ग्राउंड पर टच हो जाता है गेम ओवर हो जाती है। सारी गाड़ियाँ अलग अलग तरीके से चलती है, जैसे स्कूटर काफ़ी लाइट है और बार बार हवा में उड़ता रहता है, इसी तरह सुपर जीप काफ़ी तेज चलती है।
और आखिरी गेम मैं खेलूंगा एजेंट डैश। आईफोन 5S की 2013 में कीमत शुरू होती थी 53,000 रुपये से और जाती थी 71,000 रुपये तक। एजेंट डैश सॉर्ट ऑफ टेंपल रन और सबवे सर्फर्स जैसी गेम है। इस गेम में आपको बचना होता है इनकमिंग ऑब्स्टेकल से और कलेक्ट करने होते हैं डायमंड्स। इसमें आप एक तरह से सीक्रेट एजेंट की तरह खेलते हैं क्वीन और कंट्री के नाम पर। आपको बीच बीच में पावर अप्स मिलते रहते हैं जैसे जेट पैक या फिर मैग्नेट। तो यही था मेरा आईफोन 5S पर कैजुअल गेम प्ले। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो और फिर मिलेंगे।